और चलिए अब खबरें देखेंगे विस्तार से। नोएडा में पुलिस ने हत्या की धमकी देकर फिरौती मांगने के आरोपी ट्यूशन टीचर को गिरफ्तार कर लिया। आरोप के मुताबिक ट्यूशन टीचर ने छात्रा की हत्या की धमकी देकर उसकी मां से फिरौती मांगी थी और वो अपनी आवाज बदलकर छात्रा की मां से फिरौती मांग रहा था। इसके बाद में शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना फेस 3 क्षेत्र का ये पूरा घटनाक्रम, जिसके बाद में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर एक एनजीओ पर मामला दर्ज किया गया है। वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर शासन के निर्देश के पास में संस्था पर रजिस्ट्रेशन रद्द कर उसे ब्लैकलिस्ट किया गया। अब आपको बता दें कि पैसे रिकवरी का आदेश जारी किया गया है और यहां 1,77,00,000 रुपए के गबन का मामला सामने आया था। इसके बाद में एनजीओ संचालक के खिलाफ एक्शन लेते हुए संस्था में मौजूद सामानों को जब्त किया गया और कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर डीएम ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी, जिसने एनजीओ पर लगे आरोपों को सही माना। उस संस्था पे लगभग भारी मात्रा में अनियमितता वहां पे पाई गई और उनके द्वारा सरकारी धनराशि का दुरुपयोग भी किया गया। इसके संबंध में संस्था के विरुद्ध FIR कराई जा चुकी है। जो बच्चे थे उन्हें देवरिया के गृह में सुरक्षापूर्वक तरीके से शिफ्ट करा दिया गया है और जो सरकारी मद से उन्होंने जो भी सामान वगैरह खरीदा था, उस सामान की जब्तीकरण की कार्रवाई जो आप बता रहे हैं वो चल रही है।